हाई प्रोफाइल पति पत्नी लूट गैंग प्रदेश के कई जिलों में कर चुके हैं लूट की वारदातें। पाली शहर में गत 26 मई को लॉकडाउन में लगातार 3 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गैंग में 2 दंपत्ति भी शामिल हैं जो साथ मिलकर महिलाओं को लूटते थे। पुलिस ने दोनों दंपतियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक प्रदेश में दोनों दंपति लूट की कई वारदातें करने के बाद पाली जिले में मार्च में एंट्री की थी और इन 3 महीनों में 8 से ज़्यादा लूट करने का अंजाम दिया। सभी वारदात लग्जरी कार व बाइक की मदद से करते थे। पूछताछ में पता चला कि उनकी वारदात का तरीका भी काफ़ी अलग है। यह बाइक पर वारदात करने के बाद लूट का सामान कार में बेटी पत्नी को दे देते, इसके बाद बाइक पर एक महिला को बिठा देते ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि जीतू उर्फ दिलीप पुत्र देवाराम बावरिया, दाना सिंह उर्फ दाना राम पुत्र छोटू राम बावरिया तथा लक्ष्मी पत्नी दारा सिंह उर्फ दाना राम बावरिया, बसंती पत्नी जीतू उर्फ दिलीप बावरिया को गिरफ्तार किया गया। गैंग को पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोतवाली के SI मनोज सामरिया, कांस्टेबल जितेंद्र बांगोरा, महेश कुमार ने निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट। इनके नेतृत्व में कुछ चुनिंदा लोगों की विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें जितेंद्र कांस्टेबल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पुलिस टीम ने अलग अलग काम डिवाइड करके सब लोगों ने अलग अलग काम देखा किया और अंततः ये पता चला कि जाडन इलाके में हाईवे पर कुछ संदिग्ध एक रात पहले दिखाई दिए थे। उस आधार से तकनीकी और गोपनीय जानकारियां करते हुए और पाली जिले से अजमेर जयपुर हाईवे के जितने भी टोल टैक्स हैं वहां के CCTV फुटेज देखते हुए, फुलेरा थाना इलाका जयपुर ग्रामीण जिले का है, फुलेरा थाना इलाके के एक गांव के कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की गई और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में सहयोग लिया और गत दिवस अर्ली मॉर्निंग वहां पर पाली पुलिस टीम ने दबिश दी और 4 अपराधियों को, जिनमें 2 महिलाएं हैं, इनको लूट की वारदातों में गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ पर पाली जिले में जनवरी से अब तक की कुल 8 वारदात लूट की स्वीकार की है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये दिन के समय में भी आते हैं और 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का उपयोग भी करते हैं, सुनसान जगह पर महिलाओं को अकेला देखकर उनके साथ लूट की वारदात करते हैं।